आज 2 अक्टूबर है, यानी राष्ट्रपिता, सही मायनों में राष्ट्रपिता, फादर ऑफ नेशन नहीं, जो आजकल चल रहा है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती है, 150वीं जयंती। और आज तमाम बातों के बीच अगर हम एक बार फिर से गाय के ऊपर बात करें तो कैसा रहेगा, क्योंकि आज की ताज़ा खबर गाय को लेकर ही है। तो हम सबसे पहले गांधी जी ने गाय को लेकर क्या कहा था, गो रक्षा को लेकर क्या कहा था, उससे अपनी बात शुरू करते हैं। उन्होंने कहा था कि गाय की रक्षा जरूरी है, लेकिन गाय की रक्षा के लिए अगर इंसान की हत्या हो, यह मुझे मंजूर नहीं। नमस्कार, मैं शशि शेखर, आप देख रहे हैं ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, और आज हम बात करेंगे गो हत्या के आरोपियों की, कि आखिर पिछले 6 साल में जिन लोगों पर गो हत्या या इसकी मंशा से जुड़े आरोप थे, उनके साथ क्या हुआ। आज सुबह सुबह एक खबर आई, उस खबर में ये लिखा गया है कि बीते 6 साल में गो हत्या इसकी मंशा के तहत कुल 16 मामले दर्ज किए गए। इन 16 मामलों में 53 लोगों को एक्यूज बनाया गया, लेकिन खबर यह है कि पिछले साल तक, यानी 2018 के लास्ट तक, इन सभी एक्यूज को बरी कर दिया गया। इस खबर का मतलब कि जिन लोगों पर तथा कथित तौर पर गोमांस जिन लोगों के पास से जब्त किया गया था, उस गोमांस को गोमांस साबित करने के लिए लैब में भेजा ही नहीं गया, और जिन वीर बहादुरों ने, बयान बहादुरों ने, गो रक्षकों ने, गो सेवकों ने उन लोगों को पकड़ा था, जिसकी खबरें आमतौर पर हमें हर दिन देखने सुनने को मिलती है कि किस तरह से गो रक्षा के नाम पर जो गोपुत्र हैं, गो सेवक हैं, वो लोगों को पकड़ते हैं। उन्होंने पकड़ तो लिया, लेकिन जब बारी अदालत में जाने की आई, जब बारी उनके खिलाफ गवाही देने की आई, तो वो अदालत में गए ही नहीं। नतीजा, उन लोगों को जिन पर यह आरोप था, उन लोगों को अदालत से बरी कर दिया गया। अब इस खबर का मतलब क्या है? इस खबर का सीधा मतलब है कि गाय के नाम पर जिस तरह से गुंडागर्दी हो रही है, या कहे कि जिस तरह की राजनीति हो रही है, उसका गो रक्षा से कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए जिन 53 लोगों पर गो हत्या के आरोप थे, या ऐसी मंशा थी, मतलब उनकी मंशा थी कि गो हत्या करेंगे और गो मांस का व्यापार करेंगे, और ऐसे लोगों को अगर पुलिस ने पकड़ा, ऐसे लोगों को अगर गो रक्षकों ने पकड़वाया, तो उनके खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही है वो क्यों नहीं हुई ठीक से, ये सबसे बड़ा सवाल है। हम कहते हैं कि गाय हमारी माता है, क्यों कहते हैं? इसलिए भी कि एक बच्चा अपनी माँ के बाद गाय का या भैंस का दूध पीकर ही दुनिया को अपनी ताकत का एहसास कराता है। आज मौजूदा दौर की राजनीति में गाय की महिमा यह है कि किसी को इतना दे देती है कि आप वो गाना याद गुनगुना सकते हैं, उस गाने की ये लाइन है कि इतना दिया सरकार ने मुझको जितनी मेरी औकात नहीं। लेकिन उसी गाय के नाम पर इस देश में पिछले 6 सालों में जो राजनीति हुई है, उससे साफ है कि कैसे स्वघोषित गोपुत्रों ने, गो रक्षकों ने गो माता को धोखा दिया है। गाय से, यानी गो माता से की वादा फरामोशी का ही शायद असर था कि भाजपा के वरिष्ठ नेता और तत्कालीन कृषि मंत्री राधामोहन सिंह को दोबारा मंत्री पद नहीं मिल सका। अब देखिए कि गाय के नाम पर मौजूदा सरकार ने पिछले 5 साल में, जो उनका पहला कार्यकाल था, क्या काम किया। मैंने खुद दिसंबर 2018 में एक RTI लगाई थी कृषि मंत्रालय में। उस RTI से पता चला कि जुलाई 2014 में, जी मई में सरकार बनती है पहली भाजपा के, नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनती है, और जुलाई 2014 में राधामोहन सिंह ने एक कार्यक्रम लॉन्च किया था, राष्ट्रीय गोकुल मिशन कार्यक्रम, जिसका नाम बदलकर अब शायद कामधेनु आयोग रख दिया गया है, लेकिन ये 6 साल पहले एक राष्ट्रीय गोकुल मिशन करके एक कार्यक्रम लॉन्च किया गया था। यह योजना देसी गायों के संरक्षण, देसी गायों के नस्लों के विकास, दूध उत्पादन बढ़ाने, पशु उत्पाद की बिक्री आदि समेत कई लक्ष्यों के लिए शुरू की गई थी। 26 नवंबर 2018 को सूचना का अधिकार कानून के तहत कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन विभाग ने जो सूचना उपलब्ध कराई है, उसके मुताबिक मंत्रालय की तरफ से इस मिशन के लिए पिछले पाँच मतलब जुलाई 2014 से दिसंबर नवंबर 2018 तक, इस बीच में
तकरीबन 835 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। तो सवाल है कि इतने पैसे से हुआ क्या? क्या देश में कोई ऐसी ठोस मजबूत पवित्र गो नीति बन सके जिससे मोदी जी का सपना पूरा हो सके? मोदी जी का सपना क्या था? पिंक रिवॉल्यूशन को खत्म करना। पिंक रिवॉल्यूशन मतलब देश में जो बीफ का एक्सपोर्ट होता है उसको खत्म करना। तो इसका भी जवाब इसी दस्तावेज में है। सूचना का अधिकार कानून के तहत जानकारी दी गई कि आज की तारीख तक यानी 26 नवंबर 2018 तक पूरे देश में सिर्फ 4 गोकुल ग्राम बनाए जा सके, जो मथुरा, पटियाला, पुणे और वाराणसी, खुद प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में, ये 4 मात्र गोकुल ग्राम बनाए जा सके, जबकि 13 राज्यों में 20 गोकुल ग्राम बनाने का लक्ष्य था और इसके लिए बकायदा तकरीबन 200 करोड़ रुपए जारी भी किए गए। लेकिन 26 नवंबर 2018 तक सिर्फ 4 गोकुल ग्राम का निर्माण हो सका। अब आप सोचिए कि सरकार की नीयत क्या थी या क्या है गोरक्षा को लेकर के। आगे हम बात करते हैं, इसी दस्तावेज में और भी ऐसी जानकारियां हैं जो आप जानेंगे सुनेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि गाय के नाम पर आखिर इस देश में चल क्या रहा है। इस राष्ट्रीय गोकुल मिशन के दस्तावेज के मुताबिक 2012-13 में देश भर में 45 मिलियन देसी नस्ल के यानी 4.5 करोड़ दुधारू पशु हैं जो तकरीबन 59 मिलियन टन दूध देती है। हालांकि आंकड़ा जुलाई 2018 तक बढ़कर 90 मिलियन यानी 9 करोड़ हो जाता है। जाहिर है इसमें गाय और भैंस दोनों की गणना शामिल होगी। गोकुल ग्राम की स्थापना की एक अनिवार्य शर्त यह है कि 60% गाय दुधारू और 40% गाय बिना दूध देने वाली बीमार और बूढ़ी होनी चाहिए। तो यहां समझने वाली बात यह है कि 4 गोकुल ग्रामों में कितनी ऐसी गायों को आश्रय दिया गया होगा। ध्यान रखिए 9 करोड़ से ज्यादा दुधारू पशु हैं। वैसे इस मिशन में यह भी प्रावधान है कि गोपालन संघ को सरकारी सहायता दी जाएगी, यानी गौशाला चलाने वाली संस्थाओं को भी सरकारी पैसा दिए जाने की बात इस मिशन में है। लेकिन गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा चलाई जा रही गौशालाओं की हालत क्या है, वहाँ बीमार और बूढ़ी गायों की कैसी देखभाल होती है, इसका नमूना अभी पिछले ही साल हमने जयपुर की गौशाला में देखा था कि पूरे गौशाला के भीतर गायों मरी हुई गायों की लाशें बिछी हुई है। तो इससे एक बार फिर यह साबित होता है कि सरकार का, कृषि मंत्रालय का और जो एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट है उन लोगों की नीयत क्या है गोरक्षा को लेकर के। हम आगे बात करते हैं, एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। जैसा हमने पहले बात किया 9 करोड़ पशु है तो सरकार ने एक योजना बनाई कि हम सबको हेल्थ कार्ड देंगे, पशु को हेल्थ कार्ड देंगे, जमीन मिट्टी को दिया, पशु को दे रहे हैं। अब इस हेल्थ कार्ड का नाम था नकुल कार्ड। अब इसके तहत 31 जुलाई 2018 तक राष्ट्रीय गोकुल मिशन की प्रगति रिपोर्ट जो है वो बताती है कि देश भर के 90 मिलियन यानी 9 करोड़ दुधारू पशुओं में से सिर्फ 1.31 लगभग 1 करोड़ 30 लाख पशुओं को नकुल स्वास्थ्य पत्र यानी हेल्थ कार्ड दिए गए। तो अब आप अंदाजा लगाइए कि 9 करोड़ दुधारू पशुओं को क्या 2020 या 21 तक हेल्थ कार्ड दिया जा सकेगा? ये लक्ष्य है सरकार का। जब 4 साल में सिर्फ 13% काम हुआ तो क्या अगले 2 साल में 87% काम पूरा हो सकता है? शायद नहीं हो सकता है, मेरा यह मानना है, आपको जो मानना हो मान सकते हैं। इसके अलावा पशुओं का रजिस्ट्रेशन करके एक नेशनल डेटाबेस बनाने की भी बात इस मिशन में है। हालांकि मैं बार बार ये कह रहा हूँ मिशन में है, लेकिन ये मिशन अब खत्म हो गया है, अब इसकी जगह कामधेनु आयोग आ गया है। कामधेनु कमीशन में ये सारी चीज़ें हैं या नहीं है फिलहाल मुझे इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये मैं आपको पिछली सरकार मतलब नरेंद्र मोदी पार्ट वन की सरकार की जो योजना है, जो नीतियां हैं गाय को लेकर के, गोरक्षा को लेकर के, मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो जो रजिस्ट्रेशन का सवाल था वो रजिस्ट्रेशन भी तकरीबन उसी दिशा में जा रहा है जिस तरह से स्वास्थ्य पत्र बांटने का काम हुआ था। यानी एक बार फिर घोषणाएं तो बहुत सारी हुई लेकिन धरातल पर ऑन ग्राउंड काम कुछ नहीं है। अब इसके बाद आप उस ऐतिहासिक भाषण को याद कीजिए। 2 अप्रैल 2014 चुनाव से पहले बिहार में ही कहीं नरेंद्र मोदी जी ने पिंक रिवॉल्यूशन गुलाबी क्रांति का मुद्दा उठाया था और इसके लिए बिहार के तत्कालीन सरकार को और ख़ास करके लालू यादव को और उनकी पिछली सरकार को जमकर निशाना बनाया था।
और ये कहा था कि हम जब सत्ता में आएंगे तो इस चीज़ को ख़त्म करेंगे, लेकिन हुआ क्या? ब्राज़ील के बाद आज हमारी स्थिति दूसरा या तीसरा पोजीशन है, थोड़ा ही हम आगे पीछे हैं ब्राज़ील से बीफ एक्सपोर्ट में। अब बीफ को लेकर के बहुत कन्फ्यूज़न है कि ये गोमांस है या भैंस का है या क्या, तो इसमें दोनों है, इसमें भैंस का भी मांस होता है और इसमें गोमांस की भी बात होती है, लेकिन चूंकि गोमांस पे कानूनन प्रतिबंध है इसलिए, लेकिन फिर भी कहने का ये मतलब है कि बीफ के एक्सपोर्ट में भले ही ऐसा नहीं है कि गाय दूध देती है इसलिए उसका आर्थिक महत्व है और भैंस दूध देती है लेकिन चूंकि वो गोवंस की नहीं है या गाय प्रजाति की नहीं है इसलिए उसका महत्व नहीं है, भैंस का भी उतना ही महत्व है जितना गाय का महत्व है, खास करके आर्थिक व्यवस्था के तहत भी और खासकर ग्रामीण भारतीय आर्थिक व्यवस्था जो है, अर्थव्यवस्था जो है, उसमें भैंस का भी वही योगदान है और वही पवित्रता है, वही उसका सम्मान है जो गाय का है। तो सवाल ये है कि जो गाय भारतीय समाज और भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण अंग है, पशुधन को लेकर क्या कोई सरकार अब तक ठोस नीति बना पाई? लेकिन गाय को राजनीति का केंद्र बनाकर देश का माहौल जरूर संवेदनशील बनाया जाता रहा। केंद्रीय नेतृत्व जी, केंद्रीय नेतृत्व में बड़े लोग जो मंत्री हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके जो बयान हैं, उनके जो विचार हैं, उसको आधार बनाकर समाज का एक तबका खुद को गोरक्षक बनाकर इस तरह पेश करता रहा है जिससे समाज में दूरी और नफरत का माहौल बनता है। असल गोरक्षक तो वही होता जो सरकार से उपरोक्त योजनाओं का हिसाब मांगता, वो सरकार से पूछता कि जो गाय करोड़ों लोगों की रोजी रोटी का जरिया बन सकती थी उसे आखिर क्यों नफरत भरी राजनीति का माध्यम बना दिया गया। तो हमने जहां से बात शुरू की थी उस खबर की कि कैसे बीते 6 सालों में गोहत्या या इसकी मंशा को लेकर जिन 16 मामलों में 53 लोगों को अभियुक्त बनाया गया वो पिछले साल तक सब बड़ी हो गए। क्यों बड़ी हो गए, इसकी जाँच होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए और इससे दो चीज़ें साफ होती है कि एक तो हम गो रक्षा को लेकर संवेदनशील नहीं है और दूसरा हम गो पशुपालन विकास को लेकर के भी हमारे पास कोई ठोस नीति नहीं है, ठोस क्रियान्वयन नहीं है, ईमानदार क्रियान्वयन पद्धति नहीं है सिवाय गाय पर राजनीति के, और एक ऐसी राजनीति जो समाज को बांट रही है, समाज को तोड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए ओपिनियन पोस्ट इंटरनेट टीवी, हम फिर मिलेंगे, नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।